क्या करणवीर भी बिग बॉस का लाडला है? क्यों हर बार उसे दी जाती है एडवाइस? क्यों लगाई जाती है उसकी क्लास? क्या उसको बनाना चाहते हैं विनर या देख रहे हैं उनको टॉप टू में? क्यों रजत दलाल को टॉप टू वोटिंग नहीं बताई और बता दिया कि आप टॉप टू में हो ही नहीं? क्यों करणवीर को इशारा दिया कि आपको वोटिंग के आधार पर आप टॉप टू हो, लेकिन वोटिंग के आधार पर करणवीर टॉप टू में कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं और काफ़ी कम वोट मिल रहे हैं? जी हाँ, 3 नंबर वाले को 1 नंबर बता दिया। क्यों किया है बिग बॉस ने ऐसा? इसके साथ ही शिल्पा क्यों विवेन के कंधे को चूमते हुए फूट फूट कर रोने लगी? जहाँ पर संदीप आते हैं, तूने शिल्पा को क्यों सपोर्ट करना है? शिल्पा कोई बिग बॉस है जो उसका तू टेस्ट ले रही है? तू जो उसका विवेन का टेस्ट ले रही थी वहाँ पर जब उसको टाइम ऑफ गॉड बना रहे थे, तूने शिल्पा को क्यों सपोर्ट किया? और तूने यदि शिल्पा को सपोर्ट करना है तो खुलेआम कर, नहीं करना है तो फ्री कर। क्यों तुझे यहाँ पर दोस्तियाँ निभानी है? जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही कर दिया मरीज वाली साइकिल से उठो करण, वेकअप करो, तुम बिग बॉस 18 के विनर हो आने वाले में, खतरों के खिलाड़ी के विनर बनकर आए थे। जो बाहर था करण, उसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके की करण को बात करें तो जानकारियाँ देते हैं भाई, हर कोई करण को हो गया, विवेन को हो गया, ईसा को हो गया, आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या है? क्या उन्हें सिर्फ टीआरपी के लिए यूज कर रहा हो? यदि आपको विनर बनाना है और आपको करण और ईसा और विवेन को टॉप 5 में रखना है और रखने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो, ईसा की माँ को बुला रहे हो, आप गारंटी लिख कर ले लेना कभी भी रजत के परिवार या रजत के किसी भी दोस्त को अंदर नहीं आने देंगे। आने देंगे तो भी स्टेज से वापस बात करें तो भगवान भगा देंगे, लेकिन उनसे बात नहीं करने देंगे। जिस तरीके से लवकेश कटारिया के साथ हुआ था, जिस तरीके से UK07 राइडर के साथ हुआ था, जब अनुराग अंदर था तो एलविश आया था लेकिन उससे बात नहीं कराई गई थी, लेकिन एलविश और फेजू आए थे, लेकिन बात करें तो लवकेश कटारिया से एलविश की बात नहीं कराई थी। लेकिन इसी के अलावा कोई और आता और जो बात करे तो बिग बॉस का फेवरेट था तो उससे जरूर बात कर पाते बिग बॉस। इसके साथ ही शिल्पा कहती है, गंदे लोग झूठ बोलते हैं विमल, अपने आप को ऊपर उठाते हैं लेकिन नीचा गिराते हैं, हम लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, ये कैसे घटिया लोग हैं, इन लोगों के बीच मुझे नहीं रहना विमल, मैं तेरे साथ रोती हुई कह रही हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल दे विमल। विमल कहते हैं, मैं मिट्टी का तेल नहीं हूँ शिल्पा, मैं आग लगाने वाला काम नहीं करता हूँ शिल्पा, तू मुझ पर विश्वास कर, उस करण पर विश्वास मत कर बेटा शिल्पा। जी इस तरीके की बात करते हुए नजर आए साहब, बात करें तो विमल और शिल्पा भी, और इसके साथ ही संदीप करणवीर को एडवाइस देते हुए आए आज के एपिसोड में। जो कि बात कर रहे हैं, मुझे तो भाई इस तरीके का कोई ऐसा दिखा नहीं, एडवाइस देने के बाद बिना फालतू के रजत से लड़ाई करने लगे करण। पता नहीं भाई वहाँ पर क्या मुद्दा था, अब रजत ने कुछ पो किया या बात कुछ गाली वगैरह दी है करण को, वो तो बात करते एपिसोड आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से भाई करणवीर बाहर आकर बिना फालतू के मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई वो भी अविनाश की तरह ही दिखने वाले हैं, कोई पॉजिटिव पर्सन तो नहीं बनने वाले हैं। लेकिन बिग बॉस ने बात करें तो संदीप की जो एडवाइस थी वो उन्होंने सुनी है, लेकिन फिर भी शिल्पा की वापस साठना स्टार्ट कर दिया है। यदि शिल्पा की साठने ही तो संदीप से क्या एडवाइस ली? दोस्त ने कहा शिल्पा से दूर रहे, लेकिन वो तो वापस शिल्पा के साथ बैठ गए। हो सकता है वो दिखाना चाहते हैं कि मैं लोगों के कहने पर दोस्तियाँ नहीं तोड़ता, इस तरीके की भी हो सकता है। बाकी दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।